24 में आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। मानसून सीजन के लिए सिंचाई विभाग की पूरी तैयारी, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, ऐसे में सभी विभाग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सिंचाई विभाग के सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि सिंचाई विभाग को लेकर एस्टीमेट जिला अधिकारियों को प्रेषित करने हैं, वो किए जा चुके हैं। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जो कार्रवाई होनी है उसके एस्टीमेट भी प्रेषित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सचिव स्तर पर TMC और EFC जो कार्रवाई होनी है उस पर भी कार्रवाई कर दी है, जो योजना अभी बची हुई है जल्द उस पर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में 218 संवेदनशील जगह चिन्हित की गई है जहां रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। इस बार बारिश का फोरकास्ट ज्यादा है। देखिए, सिंचाई विभाग को लेके जो एस्टिमेट्स जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रेषित करने हैं, विभाग द्वारा प्रेषित किए जा चुके हैं, और जो SDMF में जो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कार्रवाई होनी है वो भी हम लोगों ने एस्टिमेट्स प्रेषित कर दिए हैं। बाकी सचिव स्तर के जो TAC और EFC के जो कार्रवाई होनी है, जो NABARD के अंतर्गत कार्य टेकअप करना है, उस पर भी हम लोगों ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए सभी में TAC EFC कर दिया है, और जो बाकी जो कुछ योजनाएं अभी कम बची हुई हैं उसको भी हम लोग जल्दी करा देंगे। देखिए, पूरे स्टेट में हमने 218 ऐसे संवेदनशील जगह चयनित किए हैं जहां पे हमारी जो है रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। इनमें से लगभग 35 के आसपास जो है हमने इस साल टेकअप किया है, और उसमें से 11 कार्य पूर्ण भी हो जाएंगे और बाकी जगहों की हमारी लगातार मॉनिटरिंग होती रहेगी। और जो बाढ़ चौकियां हैं जो हम लोग हर साल जो रहती हैं बाढ़ चौकियां, तो उस पर भी जो कार्मिक हैं उनकी तैनाती हम सुनिश्चित करते हैं, और इस साल भी ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि इस बार संभवतः बारिश का जो देश की अपने प्रदेश की